अस्सलाम वालेकुम, वी आर फ्रॉम ज़ैब स्टूडेंट काउंसिल एंड वी हैव गैदर्ड हेयर फॉर द फ्लड रिलीफ कैंपेन। जो सैलाब ज़दगान के जितने भी बच्चे यहाँ पे काफ़ी दिनों से स्टे कर रहे हैं, तो हम उनके लिए काफ़ी चीज़ें लेके आएँ, जैसे इसमें जिसमें जूसेज हैं, बिस्किट्स हैं, वी हैव गैदर्ड वाटर बॉटल्स और उसकी सारी ज़रूरत की जितनी भी अशियाँ हैं वो हम यहाँ पर सब लेके आएँ। सिंस यहाँ पर क्या नाम है, बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है सबके लिए, जो भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, वी नो के जितना हमारे पास है हम उस हिसाब से सारी मेहनत कर रहे हैं। हमने वी हैव डन ऑलमोस्ट 2 वीक्स कलेक्शन यहाँ पे, और जो भी कलेक्शन हमने किए, वी हैव गैदर्ड ऑल हेयर फॉर ऑल दिस, जो भी यहाँ पे फ्लड रिलीफ लोग आए हुए हैं उनके लिए हम सारी गैदरमेंट कर रहे हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे एक फ्लड रिलीफ कैंपेन कर रहे हैं, तो उसके लिए वी हैव कलेक्टेड मल्टीपल डोनेशंस फ्रॉम हमारे ज़ैबिस के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू, एंड हम लोग कराची के डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पे रेफ्यूजीज़ को लाया गया है वहाँ हम विज़िट कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू यू नो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम डोनेशंस दे सकें, और जो रेफ्यूजीज़ हैं जिनके कैंप्स हैं वहाँ जाके हम सारा सामान जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे सामने पीछे भी हमारा ट्रक आया हुआ है, सो हमने वी हैव बेसिकली गैदर्ड अप ऑल द डोनेशंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स एंड वी आर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू आवर रेफ्यूजीज़। ये अब क्योंकि रोज़ तो हमें ऐसा कोई काम करना नहीं पड़ता, वंस इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है इनके लिए ये करना। हमें बहुत अच्छा लगता है अपने रास्ते से हट के किसी के लिए कुछ करना, किसी और को खुशी पहुंचाना, तो ये एक हमेशा एक बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ के साथ। तो यस, बच्चों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ रहे हैं, तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स भी गई हैं हमारी, डायरियल इन्फेक्शन भी बहुत सारे आ रहे हैं बुखार वगैरह की वजह से, और मलेरियल के लिए भी गई हैं, और ऑइंटमेंट्स भी काफ़ी हमारे गए हैं, सॉप्स गए हैं, एंटी फंगल सॉप गए हैं, प्रीमेथ्रीन के नाम से हमारी जो से कुछ हैं ब्रांड्स बने हुए, तो हमने वो भी दिया है। ज़्यादातर जो है ना स्किन से रिलेटेड गई हैं, और क्यूनोलॉन्स क्लास में जो हमारी है क्यूनोलिन जो क्लास है मलेरिया से खिलाफ, तो हम उस पर ज़्यादा काम करें। ज़्यादातर हमें पेशेंट्स मिले हैं स्किन रिलेटेड डिजीज़ के, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ज़्यादातर लोग यहाँ पर फ्लड्स रिलेटेड आए हुए हैं, तो इनमें ज़्यादातर हमें फ़ीवर के इशूज़ से बहुत सारे पेशेंट्स देखने को मिले, जिनके हेडेक और इस तरह का मलेस और इस तरह के सिम्टम्स थे उनके, स्किन रिलेटेड बहुत सारे आए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के बहुत केसेस थे, बच्चे ज़्यादातर बीमार हैं, इस सीज़न भी ऐसा है तो वायरल सीजनल भी चल रहा है, तो हमने इस किस्म के बहुत पेशेंट्स देखे। बाकी गायनी के हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आए जो हमने रेफ़र कर दिए थे अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को, और स्किन स्पेशल डर्मेटोलॉजिस्ट को हमने अपने स्किन रिलेटेड पेशेंट्स को। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग मुतासर हुए हैं उनकी हालात उनके हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन है, तो मेरा तमाम लोगों को यही मैसेज है कि उतना हो सके चैरिटी फाउंडेशंस में अपनी कुछ ना कुछ हिस्सा डालें, ताकि इन लोगों तक आपका सही एक हिस्सा पहुंच सके। मोस्टली नॉर्मल केसेस हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं और उनको एंटीनेटल चेकअप चाहिए था, एक दो केसेस ऐसे थे जो थोड़े से मतलब मिसकैरेजेस के थे, अबॉर्शंस के थे, जिनको मैंने रेफ़र किया यहाँ से टर्शरी केयर, एक दो डिलीवरी केसेस थे जिनको मैंने एम्बुलेंस प्रोवाइड किया और वो हमारे इधर मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ सेंटर है वहाँ लेके गए पेशेंट्स को डिलीवरी के लिए।